जिथे तेरी पुत्रा जमीन विक गई मर जावी उथे कोई जीवन दा नहीं फायदा। ए लाइना श्री सिद्धू मूसेवाले दी है। ते अपा अज दा प्रोग्राम इनी मिठा बोला दे नाल शुरू करांगे। हेलो एंड वेलकम टू व्हाट इज न्यू में। आज हम बात करेंगे मकान की, जमीन की, घर की, बट आज की स्पेशलिटी होगी गुड़गांव के अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में। मैंने यूट्यूब पे देखा कि जिसको ये फ्लैट बेचने हैं सिर्फ वही इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा है, कोई सच्चाई बता के राजी नहीं है। और ऑब्वियस है कि जिसको बेचना है वो तो तारीफ करेगा ही, लेकिन मैं तो बेचने नहीं आया हूँ, मैं तो असलियत बता सकता हूँ। तो गुड़गांव में अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो लॉन्च हुई थी 2013 में। अब साल चल रहा है 2020 और डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स की अगर गिनती की जाए तो वो बहुत कम है, मोस्टली सब अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको हर एक पॉइंट के बारे में बताऊंगा अफोर्डेबल फ्लैट्स के बारे में, कि वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए सही है। तो सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के विनती है ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, धन्यवाद। मैं आपको पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रेट्स की, जिसके लिए ये फेमस हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग का रेट 4,000 रुपए पर स्क्वायर फीट आपके कारपेट एरिया पे फिक्स होता है। आपके फ्लैट का अंदर का एरिया जिसमें आप कारपेट बिछा सकें उसे हम कारपेट एरिया कहते हैं, अ काइंड ऑफ यूजेबल एरिया। और बालकनी का रेट अलग से 500 रुपए पर स्क्वायर फीट फिक्स होता है और 1% GST ऑन टोटल अमाउंट लगता है। अब प्राइसिंग के बाद बात करेंगे स्पेस की, जिसकी वजह से लोग इसे लेना पसंद नहीं करते। इसमें 3BHK फ्लैट का कारपेट एरिया मैक्स 650 स्क्वायर फीट जाता है, मतलब अफोर्डेबल वाले 80 गज में आपको 3BHK रेडी करके दे देते हैं। आपको बिल्डर का बनाया हुआ सैंपल फ्लैट तो आलीशान लगेगा, बिकॉज वहाँ इंटीरियर डिजाइनर खेल जाता है। फॉल सीलिंग देख के तो मन खुश सा हो जाएगा और आप उस फ्लैट पे फ्लैट हो जाओगे। लेकिन आप जब उस फ्लैट को ध्यान से देखोगे तो आपको वहाँ की हर चीज नॉर्मल साइज से छोटी दिखाई देगी। क्वीन बेड की वजह से रूम बड़े लगेंगे। 32 इंच का टीवी आपको थिएटर विजन देगा। 3-सीटर सोफा 5-सीटर की शेप में होगा। किचन में फ्रिज रखने की जगह नहीं मिलेगी और स्टोर रूम तो भूल ही जाओ, मगर इंटीरियर आपको A1 नजर आ रहा होगा। ये सब चीजें होती हैं फंसाने के लिए, जो दिखता है वही बिकता है और कई लोग दिखावट में फंस जाते हैं। शुरू में जब अफोर्डेबल लॉन्च हुआ था तो सैंपल फ्लैट नहीं बनाते थे, फिर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए बिल्डर्स ने ऐसे दाव पेच खेलने शुरू कर दिए। ये बात बिल्कुल सही है कि गुड़गांव में 20-25 लाख में घर मिल नहीं सकते, और वहीं आपको अफोर्डेबल हाउसिंग में गेटेड सोसाइटी, गार्डन, क्रेच, कम्युनिटी सेंटर जैसी एमिनिटीज मिल जाती हैं। बट मिलेंगी तो तब ना जब आपको प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा। इसमें बिल्डर करता क्या है, मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट में 10 टावर हैं तो बिल्डर पहला टावर तो फटाफट खड़ा कर देगा ताकि उसकी बुकिंग्स लग जाएं, और फिर कंस्ट्रक्शन कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। बिल्डर कहता है कि हम तो भाई टाइम से पहले प्रोजेक्ट दे देंगे, नहीं तो इसमें तो हमारा ही घाटा है। बट सब जुगाड़बाजी होती है, कोई घाटा वाटा नहीं होता। अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट जो है 5-6 एकड़ के आसपास का होता है। गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से बिल्डर इस पे 50% कंस्ट्रक्शन कर सकता है और 15% ओपन एरिया छोड़ना होता है, और बाकी का बचा 35% उसमें ग्रीनरी या प्लेग्राउंड वगैरह होता है। एक प्रोजेक्ट में करीब करीब ये 350 इन्वेंट्रीज निकाल लेते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया है अफोर्डेबल हाउसिंग का। अब बात करेंगे कुछ फैक्ट्स की। कोई बंदा आज की डेट में अगर फ्लैट खरीदता है तो नॉर्मली उसके 2 रीजन होते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट पर्पस पे खरीद रहा है या तो वो फिर एंड यूजर है। फर्स्टली हम बात करेंगे एंड यूजर्स वालों की। पहला सजेशन मेरा एंड यूजर्स के लिए ये है कि अगर किसी ने मन बना ही लिया, कि सोच लिया कि हाँ मैंने तो अफोर्डेबल लेना ही लेना है, तो वो रेडी टू मूव के लिए ट्राई करें, ताकि आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए वेट ना करना पड़े। क्योंकि आजकल भरोसा नहीं है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा भी या नहीं, बहुत झोल झाल है बॉस, पैसा यूं ही मत लगा देना, चीज सामने देख के तसल्ली कर लें। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं तो बेशक से लो, बट ध्यान रहे जैसे मैंने आपको बताया 350 इन्वेंट्रीज होंगी, मतलब 350 फैमिलीज। पार्किंग तो है ही नहीं, सिर्फ 2-व्हीलर पार्किंग मिलेगी फ्री, क्योंकि इतनी ही जगह होती है पूरे प्रोजेक्ट में। अफोर्डेबल हाउसिंग का बिल्डर बोलता है कि दूसरे प्रोजेक्ट्स वाले आपको 5 लाख में सिर्फ पार्किंग बेचते हैं, हम आपको फ्री दे रहे हैं। अफोर्डेबल वालों के पास स्पेस ही कहां है जो वो बेचेंगे, पूरे प्रोजेक्ट में 100 गाड़ियां खड़ी करनी भी मुश्किल होंगी। एंड यूजर्स के लिए सबसे बढ़िया चीज है इस टाइम अपनी जमीन लो और कंस्ट्रक्ट करो। गुड़गांव के आउटस्कर्ट्स में ही कोई गेटेड सोसाइटी की रेडी टू मूव लैंड ले लो। रेडी टू मूव लैंड का मतलब है जिसपे आप हाथ के हाथ कंस्ट्रक्शन शुरू करवा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सीवरेज सबके कनेक्शन मिलते हैं, बस आपको जाके कंस्ट्रक्शन करवानी होगी। आराम से 30 लाख रुपए का 100 गज का प्लॉट लो और 20 लाख उस पे ऊपर लगा दो कंस्ट्रक्शन के लिए, और आलीशान तरीके से रहो। अब यहाँ आपके लगे 50 लाख
अफोर्डेबल में लग रहे थे 30 लाख, लेकिन फायदा आपको ट्रिपल से भी ज्यादा है। इसमें आपके 2 फ्लोर बनेंगे, अफोर्डेबल में 1 था, और अफोर्डेबल के मुकाबले ये ज्यादा स्पेशियस होंगे और आपकी अपनी सुविधा के अनुसार बनेगा। ये पर्सनल पार्किंग होगी और सबसे बड़ी बात खुद की जमीन होगी। कल को रेट बढ़ेगा ना तो जमीन का बढ़ेगा, ना कि अफोर्डेबल फ्लैट्स का। अफोर्डेबल फ्लैट्स तो ऐसी मछली है, ना आपसे निगली जाएगी और ना वापस निकाली जाएगी। अफोर्डेबल फ्लैट्स गुड़गांव में इस टाइम इतने बन रहे हैं कि कोई हद ही नहीं, और आने वाले टाइम में उनकी कोई वैल्यू नहीं होनी क्योंकि वो रहने लायक ही नहीं है। अगर बनने के बाद आप रेंट पे भी देना चाहोगे तो भी इतना रिटर्न्स नहीं आएगा वहां से, क्योंकि कंपटीशन भी तो ज्यादा है रेंट पे देने के लिए, और 20,000 से ज्यादा तो आपका 1 साल का उसका मेंटेनेंस खाएगा। बिल्डर कहता है कि शुरू के 5 साल की मेंटेनेंस उसकी तरफ से है, बट ये मेंटेनेंस चार्जेस ऐसे होते हैं कि देने ही पड़ते हैं। आपको अगर इन्वेस्टमेंट ही करनी है तो अच्छी जगह करो ना, जहाँ से अच्छे रिटर्न्स तो आ जाएं। भले ही आपकी ईएमआई बढ़ जाए, लेकिन आने वाले टाइम में आपको दुख तो ना हो। किसी का फ्लैट लेने का बहुत ज्यादा मन हो तो कोई बना बनाया हवादार फ्लैट ले लेना, पोजेशन के चक्रों में मत रहना माहौल बहुत खराब है। लेकिन बेस्ट चीज तो जमीन है, ये धोखा नहीं देगी और आने वाले पुश्तों के भी काम आएगी। आज के लिए इतना ज्ञान काफी है। छोटों को प्यार और बड़ों को नमस्कार। ओके बाय। ओके बाय।